जय जिनेन्द्र। मित्रों, आज हम देवाधिदेव श्री नवखंडा पार्श्वनाथ भगवान दादा का इतिहास और चमत्कार देखेंगे। मित्रों, वीडियो पूरा देखकर कमेंट्स में जय पार्श्वनाथ दादा अवश्य लिखना। आज से सैकड़ों वर्ष पहले मुगल आक्रमणकारियों द्वारा अनेकों जैन मंदिर एवं जैन प्रतिमाओं को तोड़ा जा रहा था। इसी क्रम में मुगल आक्रमणकारियों ने श्री पार्श्वनाथ भगवान की एक सुंदर कृष्ण वर्ण की प्रतिमा जी को 9 भागों में तोड़कर भावनगर के निकट वड़वा के एक कुएं में पोटली बांधकर फेंक दिया था। मित्रों, इसके बाद यह प्रतिमा जी बहुत समय तक उसी कुएं में ही अज्ञात रूप से पड़ी रही। एक दिन घोघानगर के एक जैन श्रावक को अधिष्ठायक देवों ने स्वप्न में कुछ संकेत दिए। स्वप्न में आए संकेतों के अनुसार वह श्रावक वड़वा के उस कुएं के पास गए और वहां जाकर उन्होंने एक रस्सी डालकर उस पोटली को ऊपर खींचकर निकाल लिया। मित्रों, पोटली बाहर आते ही श्रावक का हृदय कांप गया। श्रावक ने देखा कि भगवान की प्रतिमा जी 9 टुकड़ों में टूटी हुई है। श्रावक पोटली को अपने घर लेकर आए। अधिष्ठायक देवों ने पुनः श्रावक को स्वप्न में प्रेरणा दी और कहा कि है श्रावक, प्रतिमा जी के 9 टुकड़ों को 9 मण लापसी में 9 दिन तक रखना है। ऐसा करने से यह प्रतिमा जी पूर्ण रूप से जुड़कर पूजनीय बन जाएगी, किंतु एक बात का विशेष ध्यान रखना, 9 दिन से पहले इस प्रतिमा जी को कोई भी नहीं देखेगा। मित्रों, आगे क्या हुआ यह जानने से पहले आप कमेंट्स में बताओ कि आपने श्री नवखंडा पार्श्वनाथ दादा के दर्शन किए हैं अथवा नहीं। श्रावक ने स्वप्न की बात श्री संघ को बताई। श्री संघ ने प्रभु जी के खंडित 9 भागों को 9 मण लापसी में रखकर कोई देखे नहीं इस प्रकार से गुप्त रूप में रखवा दिया। 8वें दिन भरूस से यात्रियों का एक संघ यात्रा करते हुए घोघा पहुंचा। उन्हें जब इस प्रतिमा जी के बारे में पता चला तो उन्होंने दर्शन करने की तीव्र इच्छा प्रकट की। घोघा जैन संघ ने समझाया, किंतु यात्री नहीं माने और उन्होंने 8वें दिन ही प्रतिमा जी को लापसी में से निकलवा दिया। लापसी में से निकालते ही श्रावकों ने देखा कि प्रतिमा जी के 9 टुकड़े अपने आप ही चमत्कारी रूप से जुड़ चुके थे, किंतु एक दिन पहले निकाले जाने से प्रतिमा जी पर 9 जगह से जुड़े होने के चिन्ह साफ दिखने लगे। इन्हीं चिन्हों को देखकर वहां उपस्थित समस्त श्रद्धालुओं ने प्रतिमा जी को श्री नवखंडा पार्श्वनाथ भगवान का नाम देकर जय जयकार की। लगभग 800 से 900 वर्ष पहले मूल नायक भगवान के रूप में भव्य प्रतिष्ठा की गई। मित्रों, श्रावकों की उत्सुकता से प्रतिमा जी पर 9 खंड के मार्क आज भी प्रतिमा जी पर स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। मित्रों, ये था भावनगर जिले में स्थित घोघा नगर में विराजमान श्री नवखंडा पार्श्वनाथ भगवान दादा का संक्षिप्त रूप में इतिहास। मित्रों, चलिए अब देख लेते हैं यहाँ पर विराजमान दादा की अद्भुत महिमा के बारे में। यहाँ पर अखंड ज्योत जलती रहती है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति पूरी तरह से हार गया हो, ऐसा व्यक्ति प्रतिदिन 6 महीने तक सवेरे सच्चे भावों से हृदय पूर्वक श्री नवखंडा पार्श्वनाथ दादा की प्रतिमा जी के अथवा उनकी प्रतिकृति या फोटो के दर्शन करता है तो वह समस्त समस्याओं से छुटकारा पा लेता है। सुख समृद्धि उसके द्वार पर आती है। मित्रों, साथ ही माना जाता है कि आपकी कोई वस्तु यदि कहीं खो जाए और नहीं मिल रही हो तो श्री नवखंडा पार्श्वनाथ दादा का भाव पूर्वक स्मरण करने मात्र से वह खोई हुई वस्तु आपको पुनः मिल जाती है। ऐसा कई श्रद्धालुओं का साक्षात अनुभव रहा है। मित्रों, आप जब भी हमारे शाश्वत महातीर्थ श्री पालीताणा जी के दर्शन करने जाओ तो घोघा में स्थित श्री नवखंडा पार्श्वनाथ भगवान दादा के दर्शन अवश्य करना। पालीताणा जी से लगभग 55 किलोमीटर और भावनगर से मात्र 18 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अत्यंत चमत्कारी श्री नवखंडा पार्श्वनाथ भगवान दादा की जय जयकार। जिन शासन की जय जयकार। ओम ह्रीम श्री नवखंडा पार्श्वनाथ हाय नमः।